उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य दुग्ध विकास व पशुधन राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद बीती रात रुद्रपुर स्थित लक्ष्मीपुर गांव में अपने घर के बाथरूम में गिरकर गंभीर रूप से चोटिल हो गए। आज सुबह आनंद फानंद में उन्हें जिला अस्पताल के इमरजेंसी में पहुंचाया गया, जहां उनका प्रारंभिक इलाज हुआ तथा तत्पश्चात उन्हें जिला अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। सूचना मिलते ही देवरिया सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी, राज्य सूचना सलाहकार सलभमणि त्रिपाठी, सदर भाजपा विधायक जन्मेजय सिंह के साथ अन्य भाजपा नेता ने जिला अस्पताल पहुंचकर उनका कुशलक्षेम पूछा। वहीं जिलाधिकारी अमित किशोर व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपति मिश्र अपने दल बल के साथ जिला अस्पताल पहुंचकर राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद का हाल जाना। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर छोटे लाल ने बताया कि मंत्री जी रात को बाथरूम में जाने को निकले, जहां वह फिसल कर गिर जाने से चोटिल हो गए। आज सुबह 8 बजे उन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज करने के बाद प्राइवेट वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां आगे इनका इलाज जारी है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में जिला अस्पताल के प्राइवेट वार्ड सहित जिला प्रशासन द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का कोई अनुपालन नहीं हुआ। देवरिया से हमारे संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वो रात में यूरिनल के लिए उठे थे, बाथरूम में पैर फिसल गया, गिर पड़े हैं, उनको चोट आई है। सुबह करीब 8 बजे के आसपास अस्पताल में आए हैं, उनको भर्ती कर लिया गया है। भर्ती करके उनकी जांच पड़ताल हो रही है, देखते क्या निकलता है। हाँ तो ठीक है, जाँचें कुछ कराई गई हैं, नॉर्मल सब जाँचें आई हैं। अभी एक्सरे नहीं हो पाया है, एक्सरे हो जाए फिर देखते हैं।